तो बेटा गरिमा, मैंने बात की कि ये मैग्निफिकेशन है, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। जब एल और एफ नोट देता है, डी डिस्टिंक्ट डिवीजन मुझे पता है 25 सेंटीमीटर लेते हैं बेटा, ये इंफिनिटी के लिए हमेशा से इंप्लीमेंट करेंगे, ये एडजस्टमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। सवाल पूछते हैं, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एडजस्टमेंट निकालिए माइक्रोस्कोप की, तो उसमें बेटा या फिर सेपरेशन बिटवीन एल नॉट एंड एल ई, तो एल इक्वल्स टू बी नॉट प्लस यू ई या एफ नॉट एल प्लस एफ ई, इसे कहते हैं बेटा सेपरेशन। अब बात आती है यहां तक बेटा, जब आप लिखते हैं तो 5 नंबर बनते हैं हमारे, तो या कभी कभी क्या करता है टीचर, एक 5 नंबर का कोई न्यूमेरिकल डाल दिया, या कभी कभी क्या करता है कि लिखेगा सिंपल ड्रॉ द रेड डायग्राम, केवल रेड डायग्राम ड्रॉ करो और एक कोई न्यूमेरिकल दे दिया। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें करने का तरीका क्या है, कैसे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, तो रेड डायग्राम में तभी मिटाऊंगा बेटा जब आप इस न्यूमेरिकल को समझ जाएंगे। तो सारे बच्चे एनसीईआरटी निकालेंगे, मैं भी एनसीईआरटी निकालता हूं। और बेटा पेज नंबर है 346 और क्वेश्चन नंबर है बेटा 11। गरिमा यस सर, निकाला बेटा, यस सर। क्वेश्चन को जरा सुनो। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर, एक आईपीस की दी है बेटा 6.25 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब बोथ आर सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर, दो लेंस। दैट मींस जो ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट दिया है मुझे 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द डिस्टिंक्ट डिविजन ऑफ द 25 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जब मुझे एल और एफ नॉट और एफ ई दिया हुआ है, तो मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर रखूं कि एक बार इमेज डिस्टिंक्ट डिविजन पर बने और दूसरी बार इंफिनिटी पे बने। तो बेटा मुझे क्या क्या गिवन है, 11th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 11 है। 11 में एक तो एफ नॉट दिया था मुझे 2 सेंटीमीटर, एक बेटा एफ ई दिया हुआ है कितना 6.25 सेंटीमीटर, और एक सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस, वैसे पढ़ तो लेता पहले, सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, यहां से इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है एल, किसके बराबर होता है बेटा, एफ नॉट प्लस एल प्लस एफ ई, या बेटा वी नॉट प्लस यू ई, और कितना है 15 सेंटीमीटर। और बेटा मुझे यू नॉट निकालना है कब, पहला केस जब फाइनल इमेज कहां बनती है बेटा, इंफिनिटी पर, दैट मींस वी इक्वल्स टू सॉरी डी, और डी कितना है -25 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर होता है डिस्टिंक्ट डिवीजन। अब यहां पर जितने फॉर्मूले आपने पढ़े थे, मुझे तो वी ई पता है या मैं डी मान सकता हूं, और ये जो वी ई है और ए मुझे चाहिए वी नॉट, तो मुझे यू ई नहीं पता,
यूई में तब निकाल सकता हूं जब मुझे वी नोट पता हो, और बेटा वी नोट कैसे निकलेगा जब तक यू नहीं है, तो मैं कैसे करूं? तो सिंपल सा थॉट ये है कि पहले मैं यहां से शुरू करता हूं, मुझे एफ ई दिया हुआ है, मुझे वी ई दिया हुआ है, पहले मैं निकालूंगा यू ई। तो क्या था फॉर्मूला बेटा, वन बाई एफ ई इक्वल्स टू वन बाई वी ई माइनस वन बाई यू ई। एफ ई कितना है, वन अपॉन 6.25, वन बाई वी ई माइनस 25 माइनस वन बाई यू ई। इसे बेटा ऊपर ले जाओ, 100 डिवाइडेड बाय 625 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन यू ई। 625 100 25 माइनस 1 अपॉन यू ई, 125 अपॉन 625 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन यू ई। और 25 12 पंजे 60 पांच टाइम कट गया तो यूई आ गया माइनस 5 सेंटीमीटर। मींस ये जो सेपरेशन था ये 5 सेंटीमीटर है, तब जाके 25 सेंटीमीटर पर इमेज बनी। अब मुझे चाहिए बेटा यूई मेरे पास है, मैं यहां से वी नोट निकाल सकता हूं। तो L किसके बराबर है, L इक्वल्स टू है बेटा V नॉट प्लस यू ई इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब बच्चा क्या करता है, यहां माइनस रखेगा, जब दो U V नॉट और U इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तू माइनस 5 रख दे तो 20 हो जाएगा, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। डिस्टेंस नेगेटिव का मतलब है कि इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, लेंस से लेफ्ट साइड है, तो इसका तो मैग्नीट्यूड ही लूंगा। तो क्या होगा, V नॉट प्लस 5 इक्वल्स टू 15 और V नॉट इक्वल्स टू बेटा कितना 10 सेंटीमीटर। यहां से मैंने क्या निकाल लिया, V नॉट। अब मेरे पास V नॉट भी है, मेरे पास F नॉट भी है, तो 1 by F naught equals to 1 by V naught minus 1 upon U naught. तो 1 by F naught that is 1 by 2. 1 by V naught 1 by 10 minus 1 by U naught. 1 by 2 minus 1 by 10 equals to minus 1 upon U naught. 10 beta LCM. 2, 5, 8 minus 1 upon U naught. तो U naught equals to minus 10 by 4, U naught equals to minus 2.5 centimeter. ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, minus 2.5 centimeter पर। यदि ऑब्जेक्ट को 2.5 centimeter पर रखोगे तो इमेज कहां बनेगी, 25 centimeter। अब बात पूछी इसका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या था, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो बेटा एम वी नॉट कितना है 10, यू नॉट कितना है 2.5, 1 प्लस डी कितना है 25 अपॉन 6.25, 25 चौका 100, एम इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 5, तो मैग्निफिकेशन आ गया बेटा कितना 20। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 20 है, कब, जब ये इमेज बनाता है कहां पर 25 सेंटीमीटर पर, डिस्टिंक्ट विजन जो इमेज मुझे दिखती है। तो अभी ये आधा क्वेश्चन हुआ 11th, क्योंकि इसने दो केस में पूछा था, पहला इंफिनिटी डिस्टिंक्ट डिविजन और दूसरा बेटा इंफिनिटी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बात करो और एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। गरिमा? यस सर। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा देखो, कोई भी दिक्कत नहीं सर, नहीं समझ आई है यहां से यहां तक इसे दोबारा से देखो, और एक बार घर जब तक करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा बेटा। सर
सर ये नीचे आपने 10/2.5 प्लस में लिया है, माइनस में क्यों नहीं लिया सर? बेटा मैग्निफिकेशन कभी भी नहीं, यहाँ पर ना, यस सर, बेटा मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं होता कभी भी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं होता। एक बार इसे देखो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एक मिनट आ रहा हूं। हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम? इरशाद, मनीष, बेटा जब तक खुद नहीं करके देखेगा नहीं समझ आएगा। अभी मैंने बताया है, इसे पहले ध्यान से देखो। यस सर। नहीं दिख रहा कहाँ? ये हाँ 25 ही तो है। डी बस 6.25 25 को डिवाइड करेगा। अब बेटा ब्रेविस दूसरा केस क्या है? बी नोट कहाँ बना है बेटा? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी के केस में बेटा फिर से देखो, बी नॉट इंफिनिटी, एफ नॉट दिया हुआ है, तो 1/FP = 1/BE - 1/UE। 1/FP 6.25, 1/∞ - 1/UE, 1/6.25 = 0 - 1/UE, UE = -6.25 cm। गरिमा? यस सर। समझ गया बेटा? यस सर। इसे यहां रखो, V नॉट प्लस UE इक्वल्स टू बेटा कितना? 15। तो V नॉट प्लस 6.25 इक्वल्स टू 15। V नॉट बेटा 15 - 6.25। V नॉट बेटा 8.75। कोई दिक्कत? ये नेगेटिव साइन है बेटा केवल लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस के लिए। कैलकुलेशन में जब डिस्टेंस निकालते हैं बेटा ये काउंटेबल नहीं होता। अब V नॉट निकालो, 1/F0 = 1/V0 - 1/U0, 1/2 = 1/V0, कितना बेटा? 8.75 - 1/U0, 1/2 - 1/8.75 - 1/U0, कितना एलसीएम बेटा? ये इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लेता हूं, यहां से 100, 5 से बेटा 5, 1 5 = 35,
पांच बजे, 25, पांच दूनी 10, 5 4 20, 5 5 3 15, 35. 1/2 - 4/35 -1/u0. एलसीएम बताओ बेटा, 70, 35 माइनस 8 माइनस 1/u0, 27 डिवाइडेड बाई 70, 1/u0, u0 इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाई 27, और बेटा इसे डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे मशीन से, 70 डिवाइडेड बाई 27, 2.59, 6 ले सकता हूं, 2.6, पहले 2.5 पर रखा हुआ था। मैंने तेरे को क्या बताया था अभी कि यू नॉट और एफ ई को बराबर लेने का रीजन ये है कि जरा सी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो पहले 2.5 पर रखी थी तो इमेज बनी थी डिस्टिंक्ट विजन पर, और जैसे ही मैंने 2.6 किया तो इमेज चली गई कहां बेटा, इंफिनिटी पर। अब बात आती है इसका मैग्निफिकेशन। इंफिनिटी में जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है कितना, एल अपॉन एफ नॉट इंटू डी अपॉन एफ वी। अब मेरे पास डी भी है, ये भी है, ये भी है, एल निकालो, एल निकालूंगा यहां से, एफ नॉट प्लस एफ पी प्लस एल किसके बराबर, 15, एफ नॉट 2 प्लस 6.25 प्लस एल इक्वल्स टू 15, एल इक्वल्स टू 15 माइनस 8.25, एल इक्वल्स टू 6.75। और बस मैग्निफिकेशन निकाल दो, n इक्वल्स टू 6.75 डिवाइडेड बाय 2, 25 डिवाइडेड बाय 6.25, 6.25 इतना, यस। तो बेटा जी ये पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, 25 से 25, 5 से बेटा 5, 1, 3, 15, 5 और कट जाएगा, 5 × 10, 5 × 35/2, मैग्निफिकेशन है 13.5। ये सबसे सही हो गया। बहुत बढ़िया हो गया। सनी है क्या नीचे? चलो ये और भी सही हो गया, हमारी तो रिकॉर्डिंग ऑफ होगी।